गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित जैन और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि आप गुणनखंड पढ़ रहे थे, हम प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको तीन क्वेश्चन कराए थे, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, तीन चीज पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग, कि हम गुणनखंडों का योग कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि सभी गुणनखंडों का योग बताइए, जो गुणनखंड है किसी संख्या के उनका योग बताइए, तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो बोर्ड पे ध्यान दें अपना, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, एक छोटा सा कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे 120 ले लेता हूं, 120। अब 120 ले लिया, अब इसके गुणनखंडों का योग बताना है। क्या बताना है? गुणनखंडों का योग। तो देखो, पहले 120 के टुकड़े करो बच्चों, तो क्या होंगे बताओ, 12 × 10 यही होंगे बच्चों, 12 × 10 12 × 10 = 120। फिर हम 12 के टुकड़े कीजिए बच्चों, तो 12 के टुकड़े क्या होंगे, क्या करोगे बताओ, 6 × 12 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 के टुकड़े कीजिए बच्चों, तो 2 × 5 = 10, कोई दिक्कत। अब 6 के टुकड़े कीजिए बच्चों, तो 6 के टुकड़े होंगे 2 × 3 = 6 के, समझ गए, ठीक है। फिर कितने 2 आए, 2 × 2 = 12 गुणा में 5। अब टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये सारे कैसी संख्या गए, अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनको और विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब मुझे बताओ 2 की पावर कितनी होगी बच्चों, 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। अब मैंने बच्चों, प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था इसके कितने गुणनखंड होंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, यही होंगे। इसके पूछो तो आपसे, तो आप 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 बीच में गुणा का चिन्ह, और इसके कितने होंगे, तो आप बोलोगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ठीक है बच्चों। अब आपसे सवाल पूछा रहा है, आपसे सवाल पूछा है कि गुणनखंडों का योग बताओ, सभी गुणनखंडों का योग निकालें, सभी गुणनखंडों का क्या निकालो, योग निकालो, ठीक है, सभी गुणनखंडों का योग निकालना हमें। तो आप कैसे निकालेंगे, सभी गुणनखंडों का योग निकालना, तो योग करो। तो देखो ऐसा करेंगे हम, ये गुणनखंडों का योग करो, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 योग कर दिए। फिर बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, गुणा लगाइए। फिर गुणनखंडों का योग करो, तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, फिर गुणा। फिर इसके गुणनखंड इसमें क्या कौन कौन से, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ओके बच्चों। अब मुझे बता 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, सब जानते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, ठीक है, सभी गुणनखंड लिख दिए। अब इनका योग करो, 8 × 4 = 12, 12 × 2 = 14 और 1 = 15, 3 और 1 = 4 और 5 और 1 = 6, ठीक है बच्चों। अब 15 को 4 से गुणा करो, 15 × 4 = 60 और 60 को हम जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360। तो सभी गुणनखंडों का योग कितना निकल के आया, 360। तो 120 के जितने भी गुणनखंड होंगे और उन गुणनखंडों का हम योग करें तो कितना आएगा बच्चों, 360 आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, ठीक है। कोई डाउट हो कहीं से भी तो पूछ लीजिए, कुछ भी नहीं किया मैंने, इनके टुकड़े किए, इनका योग किया, फिर गुणा, इनका योग किया, गुणा, इनका योग किया और सबका टोटल करके कैलकुलेट करके और गुणा कर दिया, आंसर आ गया आपका 360। ये गुणनखंडों का योग है, सारे गुणनखंडों का योग। अगर लेकिन आपसे पूछ ले कि नहीं हमें सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंडों का योग नहीं, केवल सम गुणनखंडों का योग बताओ, कैसे वाले, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग आपसे पूछ लिया जाए, केवल सम गुणनखंडों का योग पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालोगे सम गुणनखंडों का योग, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों देखो, मुझे बताओ, मैंने आपसे बोला जब भी सम विषम की बात आए तो हम किसके पास जाएंगे, 2 के पास, किसके पास जाएंगे, 2 के पास, मैं 2 के पास गया। अब मैंने आपको बताया था 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। अब मुझे बताओ ये कैसा गुणनखंड है आपका, विषम, और ये कैसे हैं आपके सारे सम, तो हमें विषम लेना है या नहीं लेना, नहीं लेना, हमें केवल कौन से लेने, सम गुणनखंड लेने, कौन से लेने बच्चों, सम लेने। तो हम नीचे के तीनों को लेंगे, तो बताओ कौन कौन से लेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। हम 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है और कैसा है, विषम गुणनखंड है, कैसा गुणनखंड है, विषम गुणनखंड। अच्छा, इनको गुणा करेंगे हम,
तीन की पावर जीरो प्लस तीन की पावर एक, और इनको गुणा करेंगे हम बच्चों किससे, पांच की पावर जीरो प्लस पांच की पावर एक, यही है। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ इनका कितना हुआ, दो प्लस चार प्लस आठ, ठीक, ये तीन की पावर जीरो एक, तीन की पावर एक तीन, पांच की पावर जीरो एक, पांच की पावर एक पांच, आठ और चार बारह और दो चौदह, तीन की पावर एक तीन और एक कितना हो गया चार, पांच और एक छह, गुणा कर लें इनको तो चौदह चौक छप्पन, और छप्पन को जब छह से गुणा करेंगे तो छह चौक छत्तीस का छह कहां से तीन, छह पंजे तीस और तीन तैतीस, तो कितना आएगा बच्चों तीन सौ छत्तीस आएगा। तो मुझे एक बार बताइए अगर मैं सम गुणनखंडों का योग करूं, कौन से वाले का, सम गुणनखंडों का योग, तो कितना आएगा 336 आएगा। अब आप कहोगे सर बहुत टाइम लगा दिया सम गुणनखंड के योग में, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, अगर आप सभी गुणनखंडों का योग निकालना अच्छे तरीके से सीख गए तो आप सब समझ गए होंगे कि मुझे अगर सम विषम की बात आती है तो सम विषम के लिए मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, दो के पास जाना पड़ेगा, और दो के पास जाऊंगा, और मैंने आपको बताया था दो की पावर जीरो कैसा गुणनखंड होता है विषम, तो इसको हटा देना। अब इसको हटाएंगे तो इनका योग कितना आ जाएगा, पंद्रह था तो कितना रह जाएगा चौदह रह जाएगा, एक कम हो जाएगा चौदह रह जाएगा, और चौदह गुणा चार गुणा छह तो तुरंत जाएगा आपका 336। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट सवाल आपसे अगर पूछ लिया जाए, देखिए बच्चों अगर अगला आप पढ़ रहे हो विषम गुणनखंडों का योग, अब की बार हम विषम गुणनखंडों का योग निकालते, तो मैंने कहा सम विषम की जब बात आएगी हम दो के पास चलेंगे, हम दो के पास आ गए। अब मुझे बताओ आप सब जानते हो ये सारे कैसे गुणनखंड है, सम, हमें चाहिए केवल कौन सा विषम, तो विषम के लिए कौन आएगा बच्चों दो की पावर जीरो आएगा, सही है। फिर यहां पर तो हमें सारे लेने ही है, तीन की पावर जीरो प्लस तीन की पावर एक गुणा, और पांच की पावर जीरो प्लस पांच की पावर एक, क्लियर है। ठीक है, सम विषम की बात आएगी तो हम दो की पावर की हटाएंगे और लगाएंगे, सम में क्या करते हैं दो की पावर जीरो को छोड़ के सारी संख्याएं सम होती हैं, और दो की पावर जीरो कैसी होती है, विषम होती है, मतलब दो की पावर जीरो का मान कितना होता है एक, तीन की पावर जीरो एक, तीन की पावर एक तीन गुणा, पांच की पावर जीरो एक, पांच की पावर एक पांच, एक गुना चार गुणा छह, ठीक है बच्चों, तो छह चौक चौबीस, एक कम चौबीस, तो मुझे एक बार बताओ विषम गुणनखंडों का योग कितना निकलता है, चौबीस आया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि सम का कैसे निकालना, विषम का कैसे निकालना, और टोटल का कैसे निकालना है। ठीक है, देखिए बच्चों सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन, मैं लेता हूं 180। ठीक है, तो 180 के सबसे पहले आप टुकड़े बताओ क्या होंगे, तो आप बोलोगे 18 दाई के 180, सबसे चीज यही होंगे। फिर बच्चों मैं आप बोलूंगा 18 के टुकड़े करो तो आप बोलोगे 6 3 18, सही है बच्चों। फिर 10 के टुकड़े करोगे तो 2 5 10, ओके बच्चों। फिर आप 6, अब मैं आपसे कहूँ 6 के टुकड़े कीजिए तो आप करोगे 2 3 6, क्लियर बच्चों। 3 का 3 2 का 2 5 का 5, मुझे बता दो की पावर कितनी है, तो 2, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, यही हुआ। अगर मैं आपसे पूछे इसके कितने गुणनखंड होंगे तो आप बोलोगे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, क्लियर बच्चों। फिर मैं आपसे पूछे इसके गुणनखंड कितने होंगे 3 के बाद, तो 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ओके बच्चों। फिर मैं आपसे बोलूं 5 की पावर 1 के क्या होंगे, तो आप बोलोगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ओके बच्चों। हमें निकालना है गुणनखंडों का योग, हमें सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, ओके बच्चों, सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। तो हम गुणनखंडों का योग करें तो मुझे बताओ सबसे पहले आएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये आएगा ना बच्चों गुणा। फिर इनका योग कीजिए गुणनखंडों का, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 गुणा। फिर क्या आएगा बच्चों 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, क्लियर है बच्चों। अब बताओ 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 4 2 6 और 1 7, 9 3 12 और 1 13, और 5 और 1 6, गुणा करें इनको तो आप जानते हो 13 सप्ते कितने होते हैं 91 को 6 से गुणा करो, 6 एक 6 6 9 54, तो कितना आंसर आया बच्चों 546 आया आपका। तो सभी गुणनखंडों का योग कितना आया 546। अब अगर आपसे पूछा जाए सम गुणनखंडों का योग, कौन से वाले का, सम गुणनखंडों का योग,
सम गुणनखंडों का योग पूछा जाए, केवल सम गुणनखंडों का योग, ठीक है। तो मैंने कहा था जब भी सम विषम की बात आए तो आप किसके पास जाओगे, दो के पास। अब मुझे बताओ दो की पावर जीरो कितना होता है, एक, दो की पावर एक दो, दो की पावर दो चार, मुझे बताओ ये सम है या विषम है, तो आपको पता है ये विषम होता है और ये दोनों कैसे हैं आपके, सम हैं। तो मुझे बताओ हमें केवल कौन से लेने, सम वाले लेने, और सम वालों का क्या लेना हमें, योग लेना है, तो करो योग। तो चार और दो कितने हुए बच्चों, छह गुना, तीन की पावर जीरो कितना होता है एक, तीन की पावर एक सॉरी तीन की पावर जीरो होता है एक, तीन की पावर एक कितना होता है तीन, तीन की पावर दो कितना होता है नौ, तो नौ और तीन बारह और एक तेरह, ठीक है। पांच की पावर जीरो कितना होता है एक, पांच की पावर एक पांच, तो पांच और एक कितने हुए बच्चों छह, तो गुणा कर लें इनको, तो तेरह छिक्की अठहत्तर और गुणा में छह, तो छह अड़तालीस का आठ का आंसर कितनी है चार, और छह सात बयालीस, बयालीस और चार कितने होते हैं छियालीस, बयालीस और चार छियालीस, तो कितना है बच्चों टोटल 468। ओके बच्चों, अब अगर आपसे बोले विषम गुणनखंडों का योग बताएं, किसका योग बताएं, विषम गुणनखंडों का योग, तो आप आराम से निकाल सकते हो विषम गुणनखंडों का योग। देखिए कैसे, अगर हमें चाहिए विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, अब हमें विषम वाले चाहिए, तो विषम की जब भी बात आएगी तो हम दो के पास, मैं कहा था सम और विषम की बात आए तो दो के पास जाएंगे, दो के पास गए, अब ये दोनों तो कैसे सम है, तो विषम कितना हुआ एक, इनका योग कितना हुआ नौ और तीन बारह और एक तेरह गुणा, इनका योग कितना हुआ बच्चों छह, तो तेरह छिक्की अठहत्तर, अठहत्तर एकम अठहत्तर, ठीक है बच्चों। अब मैं जहां तक समझता हूँ आपको दो एग्जाम्पल लेके मैंने बताया आप, और तीसरा एग्जाम्पल आप खुद सेल्फ स्टडी करें, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा, सम गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा और विषम का कैसे योग निकलेगा, ठीक है ओके। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है गुणनखंडों का, गुणनखंडों का औसत ज्ञात करना, नेक्स्ट आपका पार्ट सातवां क्वेश्चन आपका आता है गुणनखंडों का औसत। अगर आपको गुणनखंडों का औसत निकालना है, औसत निकालना है, तो गुणनखंडों का औसत कैसे निकालेंगे, तो आप पहले बताओ औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सभी जानते होंगे बात, औसत क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहाँ राशियां तो है नहीं, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं गुणनखंड पढ़ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। ओके बच्चों, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपसे बोला गया 100 के सभी गुणनखंडों का, 100 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करो, क्या ज्ञात कीजिए बच्चों औसत निकालिए, क्या ज्ञात करना है औसत, किसके 100 के सभी गुणनखंडों का औसत, तो हमें गुणनखंडों का औसत निकालना है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों की संख्या, और गुणनखंडों का योग निकालकर गुणनखंडों की संख्या का भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा औसत निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम दम निकालेंगे 100 के टुकड़े बताओ, 100 के टुकड़े 10 गुना 10, 10 के टुकड़े बोलो 2 पंजे 10, 10 के टुकड़े 2 पंजे 10, बताओ 2 की पावर कितना हुआ 2 और 5 की पावर भी 2, सही है बच्चों। इसमें कितने गुणनखंड होंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इसके कितने होंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, क्लियर है। अब हमें गुणनखंडों का क्या चाहिए बताओ, योग चाहिए, तो मुझे बताओ गुणनखंडों का योग निकालना मैंने सिखाया था, ये तो योग करें इनका, सभी का करना है, सम विषम थोड़ी है, सभी का योग करना है तो सभी का करो, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 गुणा में, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, गुणनखंडों का योग हो गया, बटे में गुणनखंडों की क्या आएगी संख्या। अब गुणनखंडों की संख्या मैंने निकालना सिखा दिया आपको पार्ट फर्स्ट में, कितने गुणनखंड है बच्चों 3, यहां भी कितने हैं बताओ 3, तो टोटल कितने गुणनखंड हुए 3 तिया 9 बता दिया था मैंने, तो बटे में तो 9, इनका योग करो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, तो बताओ 4 2 6 और 1 7 और 25 और 5 30 और 1 31, तो
तो 31 बटे 7 गुणा में 9। अब वो थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं, तो 7 एकम 7 और 7 किया 21, 217 आ गए, और भाग देना है 9 का, तो 9 दूनी 18, कितना बचा बच्चों, तो 3 बचा 37 हो गए, 9 चौक 36, कितना बचा शेष पर 1, तो 24 सही 1/9, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आया, इसका औसत निकल के आया, ठीक है। पॉइंटों में करना चाहो तो भाग दे देना 1/9। ओके बच्चों, ये इसके साथ खत्म हो गए आपके 7 क्वेश्चन, में अब तक बता चुका हूं। पहला, गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, गुणन सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और सभी गुणनखंडों का औसत निकालना सिखा दिया है। मैंने 7 क्वेश्चन आपको कर दिए हैं, फिर अगली नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कहते हैं, 3-4 क्वेश्चन और पढ़ेंगे कि गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है, पहला अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या और पूर्ण घन वाले गुणनखंडों की संख्या। तो प्लीज ये 2 पार्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, तीसरा पार्ट आप जरूर पढ़ें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे डिफरेंट है, जो कोई टीचर जल्दी से पढ़ाता नहीं है, वो सबसे डिफरेंट आपको थर्ड वाले पार्ट में मिलेंगे। तो प्लीज अगर ये आपको अच्छा लगे, पसंद आए कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है सर, बिल्कुल खोल खोल के आपने एकदम पूरा तरीके से समझाया है, कहीं हमें परेशानी नहीं आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पार्ट 3 जैसे ही आपका अपलोड हो तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।